मम्मा बहू ना सही, तेरा बेटा है यहाँ, वो मीठे बोल उससे बोल ले। क्या बात है, रुपए चाहिए? कितनी अच्छी मम्मा है तू, बिन कहे बात समझ लेती है। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। फिर से अपनी पत्नी को कश्मीर की सैर करवाने का इरादा है मम्मा? फिर वही कहानी ले बैठी थी। उसे कहानी का फैशन, वो तेरी पत्नी है जिसे अपनी को साक्षी मानकर तूने अपने जीवन का साथी स्वीकार किया था। वो अपने पिता का घर छोड़कर आई है, अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर आई है और सिर्फ तेरे लिए। और तू है उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो तेरी कुछ भी नहीं। जानता नहीं उसके दिन में कितनी आशाओं, कितनी उमंगों के तूफान है। मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता। तुझे सुनना पड़ेगा। परसों तक दिन रात मैं तेरी फिक्र में मरती रही, मगर अब मुझे तुझसे ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा उस अबला की फिक्र है जिसका आंचल मैंने तुझ जैसे निर्दयी के साथ बांध दिया। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था मम्मा कि हवा को जंजीरें पहनाने की कोशिश मत कर, मगर तुझे जिद थी कि तुझे बहू चाहिए, तुझे बहू मिल गई। कौन सी ऐसी कमी है तेरा, मैं भी तो सुनूं, कौन सा ऐसा गुण है जो उसमें नहीं, बता। ओ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मैं तेरा नया जमाना बहुत देख चुकी हूँ। रात रात भर शराबें पीता है, रंग बिरंगे बाजारी तितलियों के साथ धक्के खाता। मैंने कितनी बार कहा है तुझे, वो बाजारी तितलियां नहीं है, हाई क्लास मॉडर्न घरानों की लड़कियां हैं, सोसाइटी की इज्जत है। या माय फ्रेंड्स, मेरी दोस्त है वो तेरी दोस्त है और मैं तेरी माँ, तेरी दुश्मन हो गई क्योंकि तेरा भला चाहती हूँ। मामा तू मेरा भला चाहती है ना, तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तेरे बेटे का टेस्ट अलग है, सोसाइटी अलग है, रहन सहन का तरीका अलग है। गीता आजकल की फैशनेबल सोसाइटी के काबिल नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे क्या इतराज है? बहू, ये तो क्या बनी हुई है? विनोद तो बिगड़ा हुआ है ही, और अब तुझे बिगाड़ रहा है। नहीं माँ जी, मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। जब वो मेरे रास्ते पर मेरा साथ देने को तैयार नहीं तो मुझे उनके साथ उनके रास्ते पर चलना होगा, ताकि वक्त आने पर उन्हें वापस ला सकूं।